गोपाल कृष्ण जी, देखा आपने, सुन रहे हैं आप, बार बार यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सवाल उठ रहा है। मैं आपको दो बात ये बात करना चाहूंगी कि जो स्लोगन लेकर आए थे, एक यहाँ पर एक स्लोगन था मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्निज्म, आपको लगता है कहीं पर जो लिंक है वो मिसिंग है यहाँ पर गवर्नेंस और गवर्नमेंट में? क्योंकि कहीं जो आवाज उठ रही है अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं इसी यही वजह है जो ग्राउंड लेवल तक जो नेता है वो नहीं पहुंच पा रहे, वो स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, और को लेकर बार बार आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। नहीं देखिए, सरकार को चलाने के लिए अब शांति से थोड़ी मेरी बात सुनिए। सत्यदेव जी को मैंने सुना है, सत्यदेव जी सुनते क्या कह रहे हैं गोपाल जी? अब आपकी मैंने सुना है, सत्यदेव जी अब सुन लेते गोपाल कृष्ण क्या कह रहे हैं। मैंने आपको शांति से सुना है, फिर मैं भी गोपाल कृष्ण जी आप बताइए, सत्यदेव जी मोदी जी आप गंगा ने बुला लिया, लेकिन गंगा की सफाई में क्या हुआ? तो अब मेरी बात सुन लीजिए, रोजगार की जहाँ तक बात की है आपने, ये रोजगार की जहाँ तक बात की है, सरकारी नौकरी, सत्यदेव जी, सत्यदेव जी पहले एक एक करके बात रखिए, नहीं तो किसी की बात भी क्लियर नहीं हो पाएगी। सत्यदेव जी को हमने सुन लिया, अब मेरी बात, रोजगार की जहाँ तक बात है, सरकारी नौकरियां 2 करोड़ देने की कोई बात नहीं थी। हमारा जो सरकार का जो रास्ता है वह है सशक्तिकरण का, जो युवाओं को रोजगार देना है, रोजगार के लिए उन्हें तैयार करना है, उनको बैंकों से लोन देना है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा बैंक के थ्रू लोन दे रहे हैं, उनको मार्केटिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, उन्हें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ताकि एक एक आदमी अपने स्वरोजगार को डेवलप करे और आगे बढ़े। सरकारी नौकरियां की एक लिमिटेशन होती है, उससे नहीं बढ़ सकता। राजस्थान के स्किल इंडिया में क्या हुआ? जहां तक आप सत्यदेव जी आप सुन लीजिए, सत्यदेव जी आप सुन लीजिए, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ वो क्या है? बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात जवाब दीजिए ना इसका, जहां तक गैस की बात है, आपके यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार था गैस के टंकियों के रूप में, जो आप सब्सिडी के रूप में उस सबको खत्म किया है। जनधन योजना के थ्रू 5 करोड़ कनेक्शन हम दे रहे हैं, जिसमें 1.5 करोड़ कनेक्शन, नए कनेक्शन आज अभी इसी फिर साल वही बात हो रही है गोपाल कृष्ण जी, बार बार वही बात हो रही है, लेकिन बात ये कि कहाँ कमी है, क्यों सवाल उठ रहे? अगर बहुत अच्छा कर रहा होता कर रही होती सरकार तो शायद ये सवाल नहीं उठते। आकाश जी ये बताइए, आकाश जी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो 21% घट चुका है, कैसे मेक इन इंडिया बनेगा, कैसे कामयाब होगा? आप देखिए सड़कों का आज कंस्ट्रक्शन, जी गोपाल जी कृपया बोलने दीजिए मुझे, गोपाल जी अब आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं सबसे पहले मैं गोपाल जी से एक बात पूछना चाहता हूं, महंगाई घटने वाली है तो सुनिए, ये स्लोगन लेके आपकी पार्टी आई थी? नहीं उससे पहले मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए गोपाल जी, महंगाई घटने वाली है ये वादा किया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मुझे प्रश्न तो पूछने दीजिए, जवाब आप बिना प्रश्न के दे देंगे क्या? प्रश्न जब तक नहीं पता होगा जवाब कैसे देंगे आप? आज रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6.07 चल रही है, उससे पहले 5.77 रही है। दालों के रेट 150-175 रुपए तक पहुंच गए, उससे अलावा और खाने पीने के सामान के रेट काफी ऊपर पहुंच गए। ठीक है, आपने स्टॉक लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जो है, बफर स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट, इन चीजों को इस्तेमाल किया, रियल टाइम डेटा की बात हुई, लेकिन जमीन पे आज भी जो देश के आम आदमी को महंगाई उसकी कम होने वाली थी, खत्म होने वाली थी। आप याद कीजिए वो गाना जो अच्छे दिन आने वाले हैं गाना था, महंगाई खत्म होना उसमें सबसे पहला वादा था। आज एज एन इकोनॉमिस्ट, अभी कांग्रेस के मित्र ने मुझे फटाफट बीजेपी ज्वाइन करवा दी, जो कि मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो रिटेल इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? क्योंकि आज 2 साल तो मेरे हिसाब से सरकार को हो गए हैं। दूसरी, जहां तक एक्सपोर्ट कम होने की बात है, वहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं दीपाली जी, आज जो है ग्लोबल रिसेशन चल रही है, हुआ क्या, चाइना लास्ट ईयर अगस्त में डाउन गया, उसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन इतनी हो गई है कि जनवरी फरवरी में, तो फरवरी में क्रूड ऑयल के रेट $28 पर बैरल आ गए थे, यानी पूरी दुनिया में मंदी के कारण और चाइना के डंपिंग के कारण हमारा एक्सपोर्ट्स कम होना लेकिन था। तो एक्सपोर्ट्स कम होने का जिम्मेवार जो है मैं करंट गवर्नमेंट को ठहराता नहीं हूं, क्योंकि ग्लोबल माहौल ऐसा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसका जवाब हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी को देना होगा, लेकिन आकाश जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, भारत की मंदी पर इसका कोई असर नहीं, वित्त मंत्री जी बोल रही है।
नहीं कम असर पड़ रहा है। मैं एक दो एक देखिए ऐसा है, भारत की मंदी पे इसका असर पड़ा है, 7.9% हमारी जीडीपी ग्रोथ। नहीं देखिए दाल के ऊपर मैं जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रश्न मुझसे बैरल कितने घट गए लेकिन जनता को उसका क्या लाभ मिला जी? आपने जो भ्रष्टाचार किया देखिए सत्यदेव जी ने जो सवाल पूछा है कितने घटे, सत्यदेव जी ने जो सवाल पूछा है जनता को ये सवाल मैं भी बीजेपी से पूछना चाहता हूं और इस सवाल में मैं सत्यदेव जी के साथ हूं क्योंकि जब क्रूड ऑयल के दाम $28 पर बैरल हो गए, बीजेपी जब पावर में आई थी तो इस समय उसके एक महीने बाद $115 पर बैरल था ब्रेंट क्रूड, और अभी करीब फरवरी मार्च में क्रूड ऑयल के रेट $28 पर बैरल आ गए। तो अब सुन लीजिए जवाब देखिए वहां पे नहीं आप बात सुन लीजिए, एक्साइज रेट आप बढ़ाते रहे उधर क्रूड ऑयल का रेट जो कम होता रहा आप एक्साइज बढ़ाते रहे, मुझे आप सिर्फ जवाब दे दीजिए क्रूड का रेट कम होता रहा आप एक्साइज क्यों बढ़ाते रहे? हम इसका भी दे देंगे अभी आप पहले नहीं क्रूड का जवाब भी साथ साथ दे दीजिए आप। नहीं आप सुनिएगा, आप पहली बात आपने कही कि दाल के रेट दालों में जो महंगाई आ रही है उसको कैसे हमने कंट्रोल किया, हमने पिछले साल 17 लाख टन की प्रोडक्शन थी यहाँ और डिमांड 23 लाख टन की थी, इस बार 20 लाख टन की प्रोडक्शन की है, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ है। दूसरा अफ्रीका तक से बाहर से इंपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में भी जिम्बाब्वे से एग्रीमेंट किया है कि हम दालों का आप वहाँ पे ग्रो करिए हम दालों का इंपोर्ट करेंगे, इतना प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं और आज दालों के रेट को कंट्रोल करने में हम सफल हुए हैं, प्याज के रेट कंट्रोल में है बिल्कुल। लेकिन गोपाल कृष्ण जी ऐसा नहीं, जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब सरकार क्यों कदम उठाती है? एक मिनट गोपाल कृष्ण जी ये बताइए, जब हालत इतनी खराब हो जाती है किसान रोने लगता है, आम आदमी परेशान हो जाता है, महंगाई से जूझता रहता है, सब तब सरकार जाकर अपना कदम उठाती है? पहले से क्यों नहीं इसके लिए स्ट्रेटजी तैयार होती है? आप सिर्फ गोपाल जी को गाना याद कीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो गाना जो है आप पेट्रोलियम का बताइए, एक्साइज कितनी बार बढ़ाई है, बार बार क्रूड ऑयल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम होते रहे और आप बार बार एक्साइज बढ़ाते रहे, ये कहां तक सही था? आपके लिए जरूरी नहीं था कि क्रूड ऑयल का जो रेट की वजह से बेनिफिट मिल रहा है वो आम आदमी को पास कीजिए? आप नहीं नहीं आप सिर्फ एक दिवाली के मुझे प्रश्न पूछ दीजिए, गोपाल जी आपको याद है कितने बार एक्साइज बढ़ाया है? आप कितने बार एक्साइज बढ़ाए? सिर्फ ये जवाब तो दे दीजिए, मेरा तो सिंपल प्रश्न, आप जवाब दे दीजिए उसका। हाँ तो आप सुनिए तो सही, सुन ही नहीं रहे आप बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कितने बार आपने एक्साइज बढ़ाया? मैं तो बोलूंगा जनता से, आप बोलने का हक भी छीन लेंगे? गोपाल जी मैं इस देश की जनता हूँ, जनता को बोलने का हक आप नहीं छीन सकते, ठीक है? आप नेता है, जवाब दीजिए। सत्यदेव जी यहाँ पर 2.5 साल यहाँ पर सरकार होगी, केंद्र सरकार को आपकी भी सरकार रही, यूपीए सरकार भी रही, जो मुद्दा है वो वही का वही घूमता जा रहा है। अब क्या आपको लगता है कि अब ये जो खाट पंचायत लगाई जा रही है उससे सारा मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि जो मुद्दा अभी है वो उसी की वजह से कांग्रेस भी सवालों के घेरे में रही है? ये सब नाटक है इनके, राहुल गांधी सत्यदेव जी बताइए रहते हैं, दीपाली जी रहते हैं और जब ये सोते अचानक इनकी नींद खुलती है खाट पंचायत में तीन इशू आ जाते हैं कि हम किसानों के गोपाल जी कहे जा रहे हैं। सत्यदेव जी क्या बोल रहे हैं? सुनते पेट्रोलियम की बात करनी थी मुझे, उसका जवाब रहे हैं ऐसे किसान को, ये लोग क्या कर रहे हैं? माफी कीजिए, मात्र हमने 70,000 करोड़ का किसानों को उस समय का कर्ज माफ लॉलीपॉप दे देना करना है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसान की मेहनत की जो लागत है क्या हो रहा है, कम से कम लागत तो दे दीजिए, लागत का मूल्य मांगना कोई गलत बात नहीं हो रही है। और तीसरी बात हम कह रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, अभी मैं कांग्रेस के मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने बीजेपी से सवाल पूछे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, आज मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा। दीपाली जी एक मुझे मौका दीजिए जी, दीपाली जी बहुत कम टाइम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। कांग्रेस से वो कुछ नहीं, कांग्रेस के मित्र से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आज जो हमारा देश का जीडीपी ग्रोथ है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इस चीज के लिए बीजेपी की तारीफ करेंगे कि नहीं? अर्थव्यवस्था कांग्रेस जो है
फास्ट पूरा जो केंद्र में सत्यदेव जी एक एक चीज में तो तारीफ कर दीजिए, फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है आज बड़े इकोनॉमीज में से, उसकी तारीफ तो कर दीजिए कम से कम। और बीजेपी ने किया है उसकी तारीफ तो कर दीजिए, जो इन्होंने नहीं किया उसको कैंसिल कीजिए। कोई भी अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ का आज नहीं है, भ्रष्टाचार ग्रोथ रेट जो है चाइना से ऊपर है, उस इंग्लैंड से ऊपर है, जापान से ऊपर है, यूएस से ऊपर है। देखो ये कह सकते हैं कि ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस खत्म ही नहीं हो सकती है क्यों, लेकिन फिर भी ये कहना बहुत जरूरी है कि सभी रणनीतिकार को ये सोचना होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये आम जनता का है, उसके लिए कोई नहीं सोचा। आपसी लड़ाई में ही यहाँ पर खींचे चल रही जा रही है सारी पार्टियां, एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती, दूसरी पार्टी दूसरे पर, लेकिन अभी तक नहीं निकल रहा है। शुक्रिया करेंगे आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।